फिर आज क्या जी कोई गाली दे रहा है, ये क्लिप कर दूंगा, म्यूट करना हुआ वीडियो कॉल का आपके जैसे थोड़ी है। आप इधर आ जाओ, सब उधर जाओ, तो ना देखो एक सीध में गिर गया, जिस तरफ रोप है और भी और अंदर मिलो, अब रुक जाओ, बस रुको, ये मेरे दिखाओ। तो ये जो इक्विपमेंट है लगभग हर जगह यूज होता है, तो जिस समय तरीका बदल जाता है अब कुछ इक्विपमेंट ऐड हो जाते हैं और कुछ इक्विपमेंट हमसे भी आते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो फिलहाल जो आपके पास यूज हो रहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बेसिकली बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये बैग है, अभी ये खराब हो चुके हैं, ठीक है, फिलहाल खराब हो चुके हैं, ये ब्रेकिंग पैड हो जाए तो काम आते हैं। डेट ट्रैक अलग होता है, तीन दिन गए आप काम को चले गए खत्म हो गए। एक होता है ट्रैक जो हफ्ते दस दिन का, चार दिन, पाँच दिन, महीने भर का भी हो सकता है। तो उस टाइम क्या होता है, वहाँ पे मार्केट नहीं होता है, आपको सब सामान पैसा कैरी करके जाना पड़ता है, उसमें राशन भी होता है, टेंट भी होता है, हर चीज़ साथ में होती है। तो उसके लिए बैग डिजाइन किया जाता है ताकि जब उसमें आप वेट डालें तो वो वेट जो कैरी करने का तरीका होता है, उसकी पैडिंग होती है जो बेस होता है, वो आपको बहुत सपोर्ट करता है वेट उठाने में। अगर नॉर्मल बैग में आप वेट उठाएंगे और उसमें उठाएंगे बहुत उल्टा आ जाता है। उसको पैक करने का तरीका होता है, बैग को पैक कैसे किया जाता है, उसकी एक अलग, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, उसके बाद ये दो चीज है, इनको बोलते हैं सीलिंग, ठीक है, कल बता रहे हैं वाले कि रोक के पीस होते हैं, इनको कार्ड लेकर जब हम तो ये सीलिंग का काम करते हैं। तो आपने यूज देखा था उसका, किस काम आ रहा था, कई तरह का यूज होता है, स्ट्रेचर बांध सकते हैं आप, कहीं हम लोग एंकर आपको सेफ्टी दे रहे हैं दूसरे को, अपना को पेड़ से अपने कमर बांधो, दूसरा पेड़ से बांधा कि मैं गिरूँ ना, थोड़ी सी दूसरी क्या होता है, इसमें जो स्लैक होता है, जब खींच रहे थोड़ा सा लग रहा था आपको स्लैक उसमें, है ना, तो जो इसको खींचेंगे थोड़ा सा कम स्लैक आएगा इसमें, ओके। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसे खींचेगे तो रबड़ खींचेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जब आप वेट पड़ता तब होता है। तो इसका जो मेन काम होता है, जैसे हम रिवर क्रॉसिंग करते हैं या रैपलिंग करते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा से यूज क्या करते हैं, क्यों, आपने मान लीजिए 20 मीटर का एक रिवर क्रॉस करना है, वहाँ आपने बांध दिया है, अगर ये वाली रोप होगी इसको टाइट करेंगे तो काफ़ी हद तक टाइट रहेगी, लेकिन अगर डेरवी वाले करेंगे उसके बाद क्या होगा, वो जो वेट जाएगा वो थोड़ा लूज तो नहीं होगी लेकिन स्लैक लेगी, स्लैक बोलते हैं, लूज तो नहीं होती वो लेकिन स्लैक लेना शुरू करेगी, बीच में खुलना शुरू हो जाएगा, फिर आपको एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ता है, ठीक है। और जो डायनेमिक रोप होती है वो ये होती है, ये थोड़ी सॉफ्ट होगी इसके मुकाबले, और ये क्लाइंबिंग के लिए पर्पज से ज़्यादा यूज की होती है। क्या मतलब क्लाइंबिंग समझे, करना पहाड़ को, तो देखा आपने क्लाइंबिंग करते हुए वीडियो वगैरह देखे होंगे, नहीं देखा हो तो रस्सी बांध के वो क्लाइंबिंग करना होता है, तो उसमें क्या होता है, ये क्या होता है, थोड़ा इम्पैक्ट को कम कर देती है ताकि झटका सा थोड़ा कम लगे, और जब आप सिंपल सी बात है जो चीज़ स्लैग ज़्यादा लेगी तो वो टूटती भी कम, टूटने चांस क्योंकि वेट खाने से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, हाथ की रस्सी लेंगे आप टूट जाएगी, लेकिन थोड़ा रबड़ लेंगे तो उस तरह से स्लैग भी खींचे जाएगा। बंजी कोड देखिए, सब लोगों ने बंजी जानते हैं, बंजी क्या होता है, बंजी इसी बेस से पैर में बोर्ड बांधते हैं एक बंजी और वहाँ से जंप करवा देते हैं, तो उसमें स्लैग होता है ताकि टूटे नहीं, झटका पड़े, ठीक है। इन सब जो चीज़ बता रहा है इनका क्या, एक वेट उठाने की क्षमता होती है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको, क्या होता है ब्रेकिंग पॉइंट, क्या है इसका ब्रेकिंग पॉइंट, बताते हैं जितना ही सामान वेट उठा सकती है, आइडल ऐसा था कोई कितना उठा सकती है, अगर मैं स्टडी की बात करूँ कितना वेट उठा सकती होगी, क्विंटल तक तो हो गई सर, 100 केजी से ज़्यादा तो हो गए आई थिंक, ये 1800 केजी लगभग उठाती है, 1800 नहीं है, अगर आपका पुराना है यूज
कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। जितने झटके लेगी उतना इसकी हवी खराब होती है और जितना ही मिसयूज होगा, मिसयूज होगा तो आप पानी में भीगी और आपने धूप में सुखा रखा है इसको तो कोई भी चीज़ वो खराब कर देती है। तो आप जो अगर धोते भी वॉश भी करते हम लोग तो क्या करते हैं छाया में सुखाते हैं, टाइम लगेगा सोने में लेकिन उसकी कैपेसिटी बन जाएगी। पर क्या होता है जर्क जितनी बार ये झटका पड़ रहा है उसमें उतनी बार उसकी कैपेसिटी कम हो रही है। तो जब नहीं आती है ये टेस्ट पास होकर आती है, यूआई सर्टिफाइड करता है उसको कि 1800 kg वेट इजीली उठा लेती है, ठीक है। और इसी की जगह अगर डायरेक्ट उठाएं तो 2000 से 2400 kg वेट वो उठा सकती है आराम से, ठीक है। तो ये भी अलग तरह की आती हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, कंपनियाँ अलग अलग हैं। कुछ इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी आपको सस्ती मिल जाती है, अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो 70-80 रुपये मीटर मिल जाती है। वहीं अगर आप इम्पोर्टेड लेंगे जो अच्छी ब्रांडेड की आती हैं वो 200-250 रुपये मीटर होती है, ठीक है। और ऐसे आप क्या आएंगे आप तो बोलते हैं यह है सीट हार्नेस, ठीक है। हार्नेस भी कितने प्रकार के होते हैं पता किसी को? तीन प्रकार के हार्नेस होते हैं नॉर्मली, ठीक है। सीट हार्नेस, चेस्ट हार्नेस, एक फुल बॉडी हार्नेस होता है। देखा होगा आपने जो क्लीनिंग करते हैं, सीटों की क्लीनिंग करते हैं, पूरा लाइट वेट होता जाएगा, जितना महंगा होगा जितना सस्ता होगा उतना भारी होता जाएगा, वेट का ही पैसा है, ठीक है। और आप बोलोगे यार 50-100 ग्राम वेट से क्या पकड़ने वाला है, आता ना माइंड में, लेकिन जब जाएंगे हाइट में तो पकड़ेगा 50 ग्राम भी कितना भारी रखता होता है। यार इसमें पेस्ट एक्स्ट्रा क्यों रखा हुआ है उसका दिमाग में वो चल रहा है, पेस्ट क्यों उसको खाएंगे यहाँ पर निकाल के। आप सब वीडियो देखना जो आप देखते हैं आप माउंटेन पे जाते हैं वो एवरेस्ट वगैरह में जब सम्मिट करने जाते हैं तो ऐसे रखते हैं पैर ऐसे चल रहे होते हैं धीरे धीरे, क्यों चल रहे होते हैं? ऑक्सीजन कमी होती है, जैसे आप हाइट गेन करेंगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, और जब कम होगा तो आपको एफर्ट ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आएगी, थकान जल्दी हो जाएगी बॉडी पे, तो हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। उससे क्या करते हैं जितना हल्का वेट आपके पास होगा उतना ही इजीली आप चढ़ जाएंगे। हल्का वेट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नहीं कि आपने इम्पोर्टेंट सामान छोड़ दिया, यार छोड़ना तो कहीं की जरूरत तो है नहीं, जाना और वापस तो आना है, सुबह जाऊँगा शाम तो वापस आ जाऊँगा, लेकिन रास्ते मौसम ख़राब हो गया फिर क्या करेंगे, ना टेंट है ना कुछ है, फिर देखते ना और रेस्क्यू चलते हैं, रेस्क्यू कर रहे होते फिर वही लोग होते हैं, ठीक है। माउंटेन में बोलते हैं कहावत है डोंट बिकम अ गामा इन द नाइट ऑफ लामा, गामा कौन था पता तुमको कौन था? एक पहलवान था बहुत तगड़ा, लेकिन पहाड़ों में कौन रहते हैं? लामा रूल रहते हैं, बिल्कुल पहलवानी नहीं चलती ना वहाँ पर, जैसा माहौल है वैसे बनना है, ठीक है। ये हार्नेस है, इसका मेन काम क्या है? आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराना है। वो कैसे होता है? जब आप हार्नेस पहनेंगे, ठीक है, ये आज तक का है, ये भी उसका सिंपल है, जैसे आप और पहनते हैं, ठीक है, वैसे ही पहनना है आप लोगों ने, ओके। इसको ओपन लीजिए, ध्यान रखना इस टाइम जब आप पहनते हैं इसके जो फोन वगैरह आपके पास नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि जब फोन रख लेते हैं ये डिस्प्ले के ऊपर आता है, ठीक है, और आपका वेट पड़ा डिस्प्ले के, ओके। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा पहना, ये वेस्ट लूप है इसका, इसे टाइट कर लेंगे, और टाइट कितना करना है, ऐसा नहीं कि इतना कर रखा आराम से पैंट पहनते हैं आप लोग, यहाँ तक आती पैंट आपकी, ऐसा नहीं, ठीक है, प्रॉपर टाइट सेफ्टी इक्विपमेंट है। तो क्योंकि क्या होगा अब इस पर वेट पड़ेगा ये खींचेगा इसको, ऐसे नहीं होगा कि लूज पहन रखा रहा ये ऊपर ही रह गया आप नीचे आ गए, ठीक है। दूसरी चीज़ जब आप पहनते हैं ये ध्यान रखना है ये ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत पहन रखा है, ये सिंपल होना चाहिए। जो ये इसके लूप हैं ये वाले टाइट करने वाले ये दोनों भाग की तरफ होने चाहिए, देख रहे आपको ये दोनों भाग की तरफ होने चाहिए इस तरह से, अगर ये अंदर की तरफ जा रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। पहले सब लोग मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये हो गया मैं रेडी, अब क्या होता है जो भी एक्टिविटी कराई जाएगी यहाँ पे आपको कैमरा लगाया जाएगा, ठीक है, ध्यान देना जब लगाते हैं इसको ऊपर से लगाना है नीचे से घुमा देना है, क्यों ये जो इसको बोलते गेट ये ऊपर की तरफ होना चाहिए ताकि आप जब रोप पास करें आपको क्लियर दिखना चाहिए कि रोप पास होगी नहीं होगी। अगर मैं इसको ऐसा लगाता हूँ और ये गेट नीचे रहता है मैं रोप पास की शायद वो लगी नहीं हो ढंग से और मैं चल दिया मेरे फॉल होने के चांस गिर जाएंगे, और इसमें क्या होता है एडवेंचर सॉरी वर्ड नहीं होता,
अब तो सॉरी मेरे से रस्सी लगी ढंग से, तब तो आदमी हॉस्पिटल पहुंच गया। ठीक है, इसमें गलती गुंजाइश नहीं है। आपने जैसे कह रहे आज वो बांध रहे थे आप लोग, लगे हुए थे आराम से, कोई बात नहीं, सीख रहे ना अभी। लेकिन उस टाइम क्या होता है, आपको क्विक जल्दी काम करना है, लेकिन सेफ भी होना चाहिए। ऐसे ही जल्दी तो आपने बांध दिया उसको, जल्दी बांध दिया, यानी घायल फटाफट बांधा बांधा ले गया उसके ऊपर, रास्ते में गिर गया नीचे, जो बचना था वही मर गया। जल्दी करना है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, गलती गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये देखा होगा सबने बाइक की खीर, देखा होगा बाइक की चाबी वगैरह लगाते हैं ना आप लोग, ये लगाते हैं, ये नहीं होते हुए नकली होते हैं। कि मैं ये बताऊं तो इसमें टंगे जाके होते, ये भी तो कैरे बना रही है। ओके, इसको बोलते हैं कैरा बाइनर। क्या बोलते हैं? कैरा बाइनर बोलते हैं। अलग अलग साइज के आते हैं लोग, ठीक है, अलग अलग साइज के आते हैं, स्मॉल, मीडियम, बिग वन, बिग डी बोलते हैं उसको। मेनली टाइप होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है प्लेन, एक होता है ट्रू, दो ही टाइप होते हैं। इसमें साइज अलग अलग मिल जाएंगे, सेप अलग अलग मिल सकते हैं आपको, हर कंपनी थोड़ा सेप डिजाइन अलग से बना देती है। ठीक है, अलग अलग कंपनियां होती हैं। दूसरी बात क्या होता है, अब ऐसा नहीं कि ये सेफ है ये सेफ नहीं है, सेफ दोनों ही है, तो यूज अलग अलग होते हैं भी। ठीक है, जहाँ मुझे ज़्यादातर काम करना है तो मैं इसको यहाँ करके लॉक कर देता हूँ, मैं फ्री हो गया। जहाँ मुझे क्योंकि वो करना है, मुझे शिफ्ट करना है, मैंने इसको लगाया तो अब क्या कि मैं स्कूल लगाऊंगा बाबा, मुझे खोलने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। सर पीओ मैम का भी कॉल आ रहा है, वीडियो बना कर सर मना कर। अच्छा, हाँ।